हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारी पीडीएफ्स खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और हमारी जो ईमेल आईडी है वो है आपकी kaushik10vis@gmail.com। तो ये हमारी ईमेल आईडी है और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और हमारा जो नंबर है वो है 7409287156। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। एंड टुडे वी विल कवर उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आज हम कवर करेंगे उत्तराखंड परिवहन तंत्र, जिसमें कि आपके पास हैं 20 इम्पोर्टेंट। हमारे जो दूसरा चैनल है वो है BNT उत्तराखंड, यानी बेस्ट नॉर्थ ट्यूटोरियल उत्तराखंड। अब इस चैनल में आपको केवल उत्तराखंड से रिलेटेड ही टॉपिक्स मिलेंगे। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ये हमारा ही चैनल है, तो बने रहेगा हमारे साथ। और ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। और MCQ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, और वीडियो पसंद आ रही है तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए इसके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊँ दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए है रामनगर, ऑप्शन बी है टनकपुर, ऑप्शन सी है ऋषिकेश और ऑप्शन डी है कोटद्वार। आपका जो इसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रामनगर। ये यह रामनगर गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है और यह उत्तराखंड में रेलवे का अंतिम स्टेशन यही है रामनगर। ओके, जो कि कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के लिए। तो आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, राज्य में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। क्वेश्चन है कि यह किसके मध्य है? आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया, तो वो पूछ रहा है यह किसके मध्य है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य। ओके, कुमाऊं जो कि रामनगर में है। कुमाऊं रामनगर को गढ़वाल कोटद्वार से, यानी कोटद्वार से जोड़ने वाला कंडी मार्ग माउंटेन, जिसको कि माउंटेन रोड कहते हैं, माउंटेन रोड। ओके, को अंग्रेजों ने बनवाया था। कार्बेट उद्यान के बीच से गुजरने के कारण यह मार्ग काफ़ी दिनों से बंद था, लेकिन अब प्रदेश सरकार इसका निर्माण करा रही है। और इसके बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, हम चलते हैं अगले। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन पढ़ेंगे आप, ऑप्शन ए है पांगोद से पुरोला तक, ऑप्शन बी है मुनस्यारी से माणा तक, ऑप्शन सी है लोहाघाट से ट्यूनी तक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लोहाघाट से ट्यूनी तक। एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत हिमालयन हाईवे के नाम से ट्यूनी, यानी जो कि देहरादून में है, देहरादून से लोहाघाट, देहरादून टू लोहाघाट को जोड़ने वाली 659 किलोमीटर लंबी दो लेन की सड़क 2005 से ही निर्माणाधीन है। ये 2005 से ही निर्माणाधीन थी दो लेन वाली सड़क। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, राज्य में किस स्थान पर नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है? आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ में। ओके, नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नैनीसैनी एयरपोर्ट को ATR 72 टाइम के विमानों के परिचालन के लायक बनाया गया है।
अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर सबसे कम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन पढ़िए, नारायण आश्रम, तवाघाट, अनासक्ति आश्रम और मायावती आश्रम। इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तवाघाट। तवाघाट पिथौरा डिस्ट्रिक्ट में है और तवाघाट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा 141 किलोमीटर है। तो तवाघाट से सबसे कम दूरी पर स्थित है कैलाश मानसरोवर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 21 और ऑप्शन डी है 18। इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 21। ओके, उत्तराखंड में वर्तमान में 21 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन ए 58, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी है 72, ऑप्शन डी है 74। इसमें जो आपका सही आंसर है वो है 58, NH 58। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर, यानी बद्रीनाथ स्थित है किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर? इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 58, यानी NH 58 पे, नेशनल हाईवे 58 पर। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर स्थित है। राज्य परिवहन की बसें बद्रीनाथ और ऋषिकेश से 297 किलोमीटर के बीच नियमित रूप से चलते हैं, 297 किलोमीटर के बीच। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला जो क्वेश्चन है वो है, केदारनाथ स्थित है किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर? इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 109 पर, 109, 109 पर केदारनाथ स्थित। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर होगा NH 108 पर। अगला क्वेश्चन है आपका, यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है? आपका इसमें जो सही आंसर है वो है 94 पर। ओके, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी NH की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें जो आपका सही आंसर है वो है 72A, 72A आपका सबसे छोटा राजमार्ग है। ओके, यानी NH 72A। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि गोचर हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? इसमें आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चमोली में। गोचर हवाई अड्डा विमान क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के चमोली गढ़वाल जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर यह संख्या 58 के निकट स्थित है। यह हवाई अड्डा भारतीय सेना के अंतर्गत तथा भारतीय सेना के हेलीकॉप्टरों के लिए उपयोग किया जाता है। सन 1998 और 2000 के दौरान इसका आधुनिकीकरण किया गया तथा चार धाम यात्राओं के उपयोग में लाया जाता है, गौचर हवाई अड्डा। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन पढ़िए, नैनीसैनी जो हवाई अड्डा है वो, पिथौरागढ़, दून, देहरादून, चिन्यालीसौड़, पौड़ी, फूलबाग, ऊधम सिंह नगर। इसमें आपका जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, चिन्यालीसौड़, पौड़ी। चिन्यालीसौड़ कहाँ है यदि आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और नहीं जानते तो मैं बता दूं, चिन्यालीसौड़ है आपका उत्तरकाशी जिले में। ओके, उत्तरकाशी। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए आगे चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो है, राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं अभी तक? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है 6। वर्तमान में केवल 6 जिलों, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, लिख दो, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी यानी कोटद्वार में, और नैनीताल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, और एक है आपका चंपावत। में ही रेल लाइनों का विस्तार है जिनमें कुल छोटे बड़े 41 स्टेशन हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन उत्तराखंड के 6 जिलों में कितने स्टेशन हैं रेलवे के, तो आपका आंसर होना चाहिए 41, 41। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण किस सन में किया गया था? तो शायद ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप लोग भी इसका आंसर जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो मैं तब भी बता दूं, आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1884, 1884 में। राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण सन 1884 में किया गया था, जो कि किच्छा और काठगोदाम पथ था। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट पर्यटकों के लिए एक स्विस कंपनी द्वारा किस स्थान पर एक छोटा सा हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही आंसर है, बाजपुर, जो कि उधम सिंह नगर जिले का एक क्षेत्र है। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, बाजपुर उधम सिंह नगर जिले का एक क्षेत्र है जो कि कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है। इतिहास की बात की जाए तो इतिहासकारों के अनुसार 16वीं सदी तक बाजपुर 84 माल का एक परगना था। बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया था। राजा रुद्रचंद ने मुगल बादशाह अकबर से 84 माल का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर तराई के प्रबंध पर पर्याप्त ध्यान दिया था। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सर्वाधिक रेल ट्रैक निम्न में से किस जिले में हैं? तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार में। सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला हरिद्वार और सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है, तो पौड़ी गढ़वाल आपका सही आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला जो है वो है हरिद्वार। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, होपफुली कि आपका ये कंप्लीट हो चुका होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 पर स्थित नहीं है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है रामपुरा, बाकी रानीबाग, जीतपुर और पतनगर आपके NH 87 पे हैं, तो रामपुरा नहीं है, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपके लिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर नहीं है? तो जो नहीं है वो है श्रीनगर, बाकी आपका रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग है। तो NH 109 पे आपका श्रीनगर नहीं है, आपका ये सही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। होपफुली कि और आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आ गई है तो हिट द लाइक बटन को दबाइए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।